हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं 2020 के। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है ऑल रे डायग्राम, मतलब आपको सारे के सारे रे डायग्राम मिरर से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू ब्लैक और रेड, मतलब ये तीनों आपके पास आने चाहिए। यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज़ 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द पर्सन प्रॉब्लम। तो इसका क्वेश्चन जो है वो ये है, लेकिन जो क्वेश्चन इसी टाइप के आ सकते हैं आपके लिए, तो यहाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करके जाना है। फोर्थ क्वेश्चन है रीज़न फॉर एडवांस सनशाइन एंड डिले सनसेट, तो इसका आपको आना चाहिए, जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है गिव फंक्शन ऑफ आयरिस और प्यूपिल, तो यहाँ आपको दोनों को दोनों सही से याद करके जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 4/3 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज़ 10^8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ यहाँ दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो डैट इट गिव अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है ड्रॉ द रे डायग्राम। तो दोस्तों, आपको यहाँ रे डायग्राम अच्छे से आना चाहिए और ये इस टाइप के क्वेश्चन आप सही से तैयार करके जाएं। क्वेश्चन नंबर यहाँ एट्स दिया हुआ है गिव सम यूसेस ऑफ कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हर साल बोर्ड में। यहाँ 10th क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो यहाँ ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11th है अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 2.5 वोल्ट एंड 750 mA, कैलकुलेट पावर एंड रेसिस्टेंस, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th है स्टेट ज्यूल लॉ ऑफ हीटिंग, तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आप तैयार करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ डिफ्रेंशिएट बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ज़रूर से आप तैयार करके जाएँ। स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्प्लिट रिंग एंड स्लिप रिंग, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। गिव एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज एसी और डीसी को आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव सर्किट सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो डायग्राम्स साइंस के एग्ज़ाम में फिजिक्स के कुछ ना कुछ ज़रूर आते हैं, तो इस वजह से आप डायग्राम्स ज़रूर तैयार करके जाएं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ ओवरलोडिंग गिव एडवांटेज ऑफ अर्थिंग, तो यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 18 में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। तो दोस्तों, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको ज़रूर से याद करके जाने चाहिए, इनके आने के चांसेस ज़रूर से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हर साल बोर्ड में। तो दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिंक आप ले सकते हैं। और आपको अगर और भी बायो और केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो और केमिस्ट्री में, तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।